तो स्वागत है मेरे यूपीएससी के 16 आवर स्टडी के स्ट्रगलिंग ब्लॉग में। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं इस डाउट के साथ। इन्होंने पूछा कि जब भी पढ़ने बैठते हैं ये तो इनको निगेटिव थॉट आती है। तो सिंपल सी बात है, निगेटिव थॉट आएंगे ही जब आप पढ़ाई नहीं करोगे। आप 10 घंटे 10 दिन पढ़ाई करो, आपके निगेटिव थॉट 70% कम हो जाएंगे। फिर भी स्टार्टिंग में आप जब पढ़ाई के लिए बैठो तो फोन को दूर रखो, ऐसी चीजों को दूर ही रखो जो डिस्ट्रैक्शन लाती है। और साथ में बायोग्राफी रिलीजियस की बुक 5-5 मिनट पढ़ लिया करो, वहां से पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 2:30 बजे तक पढ़ा था, सोया सुबह उठा 6 बजे, उठ के सबसे पहले धरती माता बजरंगबली सरस्वती माँ के चरण स्पर्श करके 5 मिनट में रूम पे लगी सारी चीजों का रिवीजन किया। चलो जल्दी से बताओ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन सी नदी 2 बार काटती है। उसके बाद 1.5 घंटे तक मैंने करंट अफेयर पढ़े, देन उसके मेडिटेशन करके अपना टास्क लिख करके 14 आवर स्टडी का, गया जिम 1.5 घंटे वर्कआउट करके आया रूम पे, नहाया, हनुमान चालीसा पढ़ी, खाना बनाया, खाया, गया लाइब्रेरी। सबसे पहले लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ एक श्लोक गीता का। 11:30 बजे से मैंने 6:30 बजे तक पढ़ाई की रेस्ट ले ली। उसके बाद 6:30 बजे वहां से आया, रास्ते में दोस्त को बिस्किट खिलाया। 7 बजे से 10 बजे तक बच्चों को पढ़ाया और आज मेरे स्टूडेंट को मिला है गोल्ड मेडल, जो कि कहता था मैथ में वीक हूं और मैथ में दिलाया, जो कि अच्छी बात है मेरे लिए भी और इसका सबसे प्यारा स्टूडेंट है मेरा। उसके बाद 10 बजे आया पढ़ा करके, खाना बनाया, खाया, 11 बजे के आसपास फिर पढ़ने के लिए बैठा और रेस्ट कर मैंने 3 बजे तक पढ़ाई की और